हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग असाइनमेंट 7 डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का, और इसमें देखें तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, 2 पार्ट 2 से क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, 18, 19 और 20 गिवन थे। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 404C4 -4C1 303C4, फिर 202C4, फिर आगे 101C4। क्या समझ में आ रहा है कि लोअर सबस्क्रिप्ट आपका कांस्टेंट दिखा। अगर लोअर सबस्क्रिप्ट आपका इस तरीके से कांस्टेंट दिखता है तो आपको कौन सा टाइप यूज करना होता है समेशन में, टाइप 4। ठीक है, तो ये टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या होगा क्वेश्चन में, आप सबसे पहले समझो इस चीज को। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 404C4 303 है नेक्स्ट टर्म में, 303C4 प्लस 4C2 है नेक्स्ट टर्म में, 202C4 माइनस 4C3 है नेक्स्ट टर्म, 101C4। ये आपके पास टर्म्स है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब क्या करना था, जो लोअर सबस्क्रिप्ट जिसके कांस्टेंट रहते हैं उनको हमें एक्सप्रेशन मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देना था। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4C0 into coefficient of x की पावर 4 in expansion of 1 plus x raised to power 404। यही होगा। तो इसको हम कैसे लिख देते थे, अपन क्या करते थे ऐसे, coefficient of x raised to power 4 in expansion of, पहले वाली टर्म में क्या है, in expansion of 4C0 into, दूसरा टर्म कहां से आया है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 404 में x की पावर 4 का कोफिशियंट खोजने पे। ये लिखते थे कि इसको एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में लगा दो और ये वाले को लैंग्वेज में एक तरीके से बदल दिया कि कोफिशियंट ऑफ x की पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होता था अपना, माइनस 4C1 इंटू 1 प्लस एक्स 303, मतलब सेम वही x की पावर 4 का कोफिशियंट खोज रहे हैं इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। प्लस आपका देखिए 4C2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 202 प्लस ये वाली टर्म होगी, ये आपका ओवरऑल हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसमें से क्या पैटर्न हम बना लें। तो अपने को एक चीज नोटिस हो सकती है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इनको क्लब करके एक तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैंने यहां पे देखा कि ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 101 को मैं टी मान लूं, तो दिस इज रिटेन एज 4C0 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 4C1 इंटू टी क्यूब प्लस 4C2 इंटू टी स्क्वायर और माइनस 4C3 इंटू टी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात। और कोई लास्ट 4C4 जैसी टर्म तो है नहीं शायद, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो अब आप देखो कि ये इसको हम क्लब करके लिख सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल, कब ये आप लिख सकते हो, किस फॉर्म में, आप ऐसे समझ लो 4C0 टी की पावर 4 इंटू 1 की पावर 0, यहां 4C1 टी क्यूब इंटू 1 की पावर 1, यहां पे 4C2 टी स्क्वायर इंटू 1 की पावर 2, 4C3 टी की पावर 1 इंटू 1 की पावर 3। तो आप इसको मान लो कि ये लिखा हुआ था, फर्स्ट टर्म में टी ले लेता हूं और सेकेंड टर्म में 1 ले लेता हूं। ठीक है, टी माइनस 1 रेज टू पावर 4 होगा कि नहीं होगा, 4C0 टी की पावर 4 इंटू माइनस 1 की पावर 0, 4C1 टी की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1, इस तरीके के टर्म्स होंगे। तो इसको मैं क्लब करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, लेकिन एक टर्म मिस हो गई, कौन सी वाली, 4C4 वाली। तो 4C4 वाली जो टर्म आती वो क्या होती, प्लस साइन के साथ होता, प्लस साइन के साथ क्या होता, 4C4 इंटू टी की पावर 0, यही होता। तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख दो, क्या नहीं मिला हमें, 4C4 इंटू टी की पावर 0, ये वाली टर्म आपको नहीं मिल पाई। ठीक है, तो फिर से क्लब किया इसको, तो t क्या था आपका, t था आपका 1 प्लस x रेज टू पावर 101 माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 माइनस ये कितना है आपका 1 इंटू 1,
और इसमें आपको खोजना क्या है, इसमें आपको खोजना है कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, इस पूरे एक्सपेंशन में आपको x की पावर 4 का टर्म खोजना है कि उसका कोफिशियंट क्या आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने के बाद इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया और वो कॉम्पैक्ट फॉर्म ये आ गई है ना। अब देखिए, अब आप देखो माइनस वन से कोई x की पावर 4 तो निकलेगा नहीं, ठीक है, इस वाले माइनस वन से, ठीक है, तो जो भी आना है वो यहीं से आना है आपका x की पावर 4। तो अपन समझते हैं कि इसके कोफिशियंट में, मतलब इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 कैसे कैसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर आपने लिखा, पहली बात तो ये कि आपके पास ये टर्म कैसी बनेगी, देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 101, इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, इसको एक्सपेंड करके सोचिए क्या बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस टाइप 4 के मैंने पहले भी कहा था टफ होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, 101 सी जीरो है ना, एक्स की पावर कितना हो जाएगा जीरो, प्लस 101 सी वन, ये टर्म होगी, प्लस 101 सी टू एक्स स्क्वायर, और ऐसे करके आप कहां तक निकल जाओगे, 101 सी 101 एक्स की पावर 101 है ना, माइनस वन, ठीक है, ये माइनस वन, ये वाला रेज टू पावर 4 माइनस वन, यही लिखा हुआ है ना, बाद वाला माइनस वन भी मैंने लिख दिया फिलहाल। तो अब देखो ये 1 लिखा था, ये भी 1 लिखा था, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब आपके पास ये सारी टर्म्स बची हुई हैं, अब इन सारे टर्म्स में जरा सा आप ध्यान दो तो आपको क्या दिखेगा कि लोएस्ट पावर अंदर में क्या बच रही है, एक्स की पावर 1, और ओवरऑल रेज टू पावर 4 हो रखा था है ना, तो लोएस्ट पावर कितनी जनरेट होगी, एक्स की पावर 4 ही जनरेट होगा ना, जो लोएस्ट पावर होगी, और वो भी कैसे होगी, मतलब ऐसे समझ लो कि चार ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे चार ब्रैकेट्स हैं और चार ब्रैकेट्स में कुछ कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, ये भी एक्स से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक्स से, ये भी एक्स से, और ये भी एक्स से, सब में एक्स की बाकी सब पावर्स क्या है उससे बड़ी बड़ी है, एक्स की पावर 2 3, एक्स की पावर 2 3। तो अगर तुम्हें एक्स की पावर 4 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, जब हम चारों से सबसे छोटी वाली पावर्स लेंगे तभी तो x की पावर 4 बनेगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है ना आपको, तो x की पावर 4 बनाने का तरीका क्या होगा, जब आप हर एक ब्रैकेट से सबसे छोटी पावर्स लोगे, ठीक है, तो हर एक, अब यही है ना, ये चार बार लिखे हुए हैं, अब हर एक ब्रैकेट से सबसे छोटी पावर, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट पहले ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में भी यही है, तीसरे ब्रैकेट में भी यही है, और चौथे ब्रैकेट में भी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, 101 सी 1 रेज टू पावर 4, ये होगा, चारों ब्रैकेट से हमने ये टर्म्स ले लिए। ठीक है भाई, इस यहां पे मान लो 2x रहे, यहां पे 2x रहे, यहां पे 2x और यहां पे 2x, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना, इन 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x, ठीक है, तो इनका जो कोफिशियंट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड कोफिशियंट होगा। तो वैसे यहां पे 101 सी 1 चार बार है तो रेज टू पावर 4 कर दिया, ये जो होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 101 रेज टू पावर 4। ठीक है, टाइप 4 का क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा टफ सवाल है ये। नेक्स्ट देखिए आगे 18 19 20 वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा जा रहा है कि सम ऑफ दिस सीरीज अप टू n प्लस 1 टर्म्स, तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म आपकी कितनी आएगी, समेशन ओवर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, माइनस 1 की पावर r हो जाएगा, और इसके बाद देखिए एनसीआर इंटू क्या चल रहा है, 3 8 13 18, 5 5 का गैप है, तो अपन क्या लिख लें इसको, 5 आर प्लस 3 है ना, ये आर है, और आर हमारा वेरी कहां से कर रहा है, 0 से कर रहा है, कहां तक कर रहा है, अप टू एन प्लस 1 टर्म्स, जीरो से एन तक जाएगा, एन प्लस 1 टर्म्स आपके वहीं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इस तरीके के सवाल तो आसानी से करे होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r ncr 5r, तो 5 बाहर और इनटू r, प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r ncr,
ठीक है, इंटू थ्री, ठीक है, तो 5R+3 ऐसे स्प्लिट कर लिया। इसमें देखिए, इसमें क्या है हमारे पास, सारे पॉसिबल टर्म्स हैं क्या, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज है ना, तो हमने कहा था कि इस वाले केस में क्या होगा, आपका सारे पॉसिबल टर्म्स अगर रहेंगे तो सब कट पिट करके जीरो हो जाता था प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, मतलब 5 ये रहा और यहां से आप क्या लिख दोगे, समेशन r इक्वल टू 0 से n, लिख ही लो एक लाइन और, r इंटू एन सी आर ने बना दिया n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n माइनस, सॉरी 3 आपने बाहर निकाला, माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 up to ncn, सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो ये समेशन आपका कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। फिर यहां की बात करें अगर हम, तो n minus 1 cr minus 1, तो r equal to 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, n तो खैर बाहर निकल जाएगा ना, बाकी ये r equal to 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, n minus 1 c n minus 1 बन जाएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, और इसलिए ये भी टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 का होल क्यूब का इसका समेशन आपको देखना है, और वो 4/5 अगर है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं एनसीआर, ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दिया, नीचे देखो एनसीआर और एनसीआर प्लस 1 का सम है, तो ऐसे में क्या करते थे हम, अपर सब्सक्रिप्ट में 1 ऐड कर देते थे, लोअर सब्सक्रिप्ट में बड़ा वाला रख लेते थे, ठीक है, और इनका आपको समेशन करना है सबसे पहले, तो इसका आपको समेशन करना है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफिकेशन करने पे कितना बनेगा देख लेते हैं एक बार, यहीं पे देख लिया, समेशन ओवर आर इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेके एन माइनस 1 तक, ठीक है, ये आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक, तो ये आपका बन क्या जाएगा, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n माइनस 1, n माइनस r आपका कट गया, n फैक्टोरियल n प्लस 1 नीचे प्लस 1 बचेगा, r फैक्टोरियल r प्लस 1 ऊपर r प्लस 1 बचेगा, है ना, ये हो गया सिंप्लीफाई। तो अब n तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो ये बन गया आपका 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 r प्लस 1, ठीक, ये आपका ओके। तो अब ये वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी देखते जाए, तो r इक्वल टू 0 रखोगे तो पहला टर्म बनेगा 1, r इक्वल टू n माइनस 1 रखोगे तो लास्ट टर्म बनेगा n, तो 1 से लेके n तक का ये सम लिखा हुआ है, जो कि कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है, आप चाहो समेशन डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस 1 तो कट गया, n बाई 2 के बराबर आ गया, अच्छा हमें सॉरी इसका होल क्यूब करना था, सॉरी इसका होल क्यूब है ना, हाँ, तो यहां पे होल क्यूब और यहां पे भी होल क्यूब, n प्लस 1 का होल क्यूब आपका बाहर आएगा और यहां पे r प्लस 1 का होल क्यूब आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, n प्लस 1 का होल क्यूब और इनटू, यहां से देखें तो चाहो तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट करके करो, अदरवाइज टर्म्स भी देख सकते हो कि 0 को देखा तो यहां पे क्या बनेगा 1 क्यूब, फिर अगली टर्म 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, ऐसे करके लास्ट टर्म क्या बनेगी n क्यूब, तो 1 क्यूब से n क्यूब तक के टर्म्स का एडिशन कितना आएगा, n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज कमिंग आउट एज 4/5, नाउ यू हैव टू फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे तीन तीन टर्म्स हैं, और तीन तीन टर्म्स हैं तो हमारे लिए नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे निकालें, और डिसिमिलर मतलब अलग अलग मतलब एक्स की ही टर्म्स हैं सभी, तो अब देखिए कैसे करेंगे हम, तुम देखो अगर 1 की जगह 2 हो जाए तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स बदल जाएंगे क्या, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा हुआ है, उस 1 की जगह अगर 2 हो जाए तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे ना भाई,
उस कांस्टेंट के बदलने से नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और वन की जगह अगर मैं टू लिख दूं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही होंगे जितने की पहले हुआ करते थे वन के टाइम पे, है ना। लेकिन इससे मेरे पास आसान ये हो गया कि ये ट्रिक यूज करने से ये बन गया x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर n, तो ये बन गया इतना। तो अगर ये x प्लस वन बाई एक्स की पावर 2n बन गया तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप आसानी से बता सकते हो कितने आएंगे इसके एक्सपेंशन से, 2n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का आज के पोर्शन का डिस्कशन था। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, ठीक है, और 12 भी था, ओके, ठीक है, तो एक 12, ओके, चलिए नेक्स्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या कहा जा रहा है, 2 पार्ट 2 में 6C0 10 12C6 माइनस 6C1 11C6, है ना, कुछ दिखा, लोअर सबस्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स हैं। तो लोअर सब्सक्रिप्ट जब कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब हमें टाइप 4 यूज करना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, आप देखो लोअर सब्सक्रिप्ट जो कांस्टेंट वाले हैं वो क्या है, 6 है। तो मतलब हमें x की पावर 6 का कोफिशियंट निकालना है, कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ 6C0, ठीक है, और दूसरी टर्म को मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर 12 माइनस देखिए 6C1 1 प्लस एक्स की पावर 11, ठीक है। फिर आपके पास है 6C2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, ठीक है। फिर आपका 9C6 है, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 9, 6C3 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस 6C4 1 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 6C5 1 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 6C6 प्लस 6C6 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये आपका टर्म, ठीक है। इस एक्सपेंशन में से आपको x की पावर 6 क्लब करके देना है, ठीक है, इसका कोफिशियंट क्या आएगा, ये आपका सवाल। अब इसमें आप देखो इसको आप कैसे देख सकते हो, ये आपकी क्या टर्म बनेगी। तो हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप का कोरिलेट होगा, है ना, सबसे पहले चीज तो यही हो गई। अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास क्या टर्म बचेगी, 6C0 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 6C1 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 6C2 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 6C3 1 प्लस x की पावर 6C4 1 प्लस x की पावर 2 माइनस 6C5 1 प्लस x प्लस 6C6 इफेक्टिवली 1 प्लस x की पावर 0 है मां। अब आप देखो अगर तो 1 प्लस x को अगर मैं t समझूं तो ये क्या लिखा है, 6C0 t की पावर 6, 6C1 t की पावर 5, 6C2 t की पावर 4 है, अल्टरनेट है ना। तो ये सो देख करके क्या पता चलता है कि ये क्या है, क्या लिखने की कोशिश हुई है, ये क्या है हमारा t-1 रेज टू पावर 6, यही है ना, t-1 रेज टू पावर 6, ठीक है। क्या कोई टर्म मिसिंग है क्या, नहीं, क्योंकि 6C0 से 6C6 तक की सारी टर्म्स प्रेजेंट है। तो अब आप देखो आपको क्या करना था, ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 तो है ही बाहर में, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स की पावर 6, अब t क्या था, t किसको लिया था हमने, t लिया था हमने 1 प्लस एक्स को, तो यहां पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 6, दैट मींस 1 प्लस एक्स की पावर 6 तो पहले से था और ये बन गया आपका x की पावर 6। सो नाउ दिस टाइम यू आर लिटिल बिट लकी कि आपको थोड़ा सा आसान मिल रहा है x की पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6, ठीक है। अब आप देखिए कि x की पावर 6 तो आपने कवर कर ही लिया, ठीक है, अब x की पावर 6 आप बना ही चुके हो भाई, यहां पे तो बनी गया ना x की पावर 6, तो इसमें से आपको क्या चाहिए होगा, इसमें से आपको x की पावर 0 चाहिए होगा, क्योंकि वही तो x की पावर 0 इससे मल्टीप्लाई करके x की पावर 6 बनाएगा। तो इफेक्टिवली
आपको चाहिए x की पावर 0 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 6, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशियंट तो एनीवे 1 ही था, तो यहीं से जो भी आना है आएगा, और वो भी कितना आएगा, x की पावर 0 का कोफिशियंट 6c0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे फिर भी आसान हो गया क्योंकि हमें टी वन प्लस एक्स लेना पड़ा और इसलिए हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो गई। वहीं पे हम एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 वाले जो आज का क्वेश्चन पहला डिस्कस किया उसकी बात करें तो वहां पे आपका थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जा रहा था कंपैरेटिवली, ठीक है। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, ओके ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन 17 से। 17 में आपके पास कौन क्या दिया गया है, समेशन करना है, समेशन करना है तो समेशन के फॉर्म में लिख दीजिए 2nc r का स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं समेशन ओवर 2nc r स्क्वायर इनटू 1 2 3 2 ये चल रहा है तो इनटू आप कह लो कि r लग जाते हैं, है ना, यही है। और कहां से कहां तक r वेरी कर रहे हैं, तो पहली टर्म r की 1 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट में 2n तक जा रही है। ध्यान रहे 0 आपका है नहीं वैसे दिया हुआ, लेकिन 0 से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। तो एनीवे अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, तो आपने सबसे पहले देखा r इक्वल टू 1 से 2n, पहले तो ये 2ncr into 2ncr लिखा है, into r और है, तो पहले जब r है आपके पास तो ये 2ncr और एक 2ncr, सबसे पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए कि ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, अपर सबस्क्रिप्ट सामने ऊपर और नीचे से जाकर के एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके पास बन गया समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 से 2n, यहाँ पे आपका आ गया 2n इंटू, है ना, अपर सबस्क्रिप्ट सामने 2n माइनस 1 cr माइनस 1, ठीक है, और इंटू 2ncr, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देखिए 2n आप बाहर निकाल लोगे, तो 2n आपने निकाला बाहर, तो 2n आपने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या r इक्वल टू 1 से 2n, ठीक है, और यहां पे आपके पास टर्म्स बची रह गई 2n माइनस 1 cr माइनस 1 इंटू 2ncr, ठीक है, 2n माइनस 1 cr माइनस 1 इंटू 2ncr, ये आपका बना। तो आप क्या समझ सकते हो ये किस टाइप का है, टाइप 3, जिसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, लोअर सबस्क्रिप्ट आपके डिफरेंट है, ठीक है। तो आप देखो इसको अगर मैं पलट करके लिख दूं या फिर इसको ऐसे ही रहने, तो इसको पलट के लिख देते हैं, है ना, अपन क्या करते थे 2n माइनस 1 में से r माइनस 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा लिख सकता हूं ncn माइनस r वाली प्रॉपर्टी की, ncr और ncn माइनस r बराबर ही होंगे, तो मैंने r माइनस 1 की जगह 2n माइनस r लिख दिया, इससे बेनिफिट क्या मिला कि माइनस r और r कैंसिल हो गए, मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब जब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट हो गया तो हमारे लिए चीजें आसान हो जानी चाहिए, ठीक है, क्या होंगी फिर 2n समेशन r इक्वल टू 1 से 2n, है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, वैसे इसको हटा सकते हैं बट डायरेक्टली लिखते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम, तो लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम आपका है 2n के बराबर, ठीक है, अपर सबस्क्रिप्ट का सम 4n माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा 4n माइनस 1 c लोअर सबस्क्रिप्ट का सम 2n, ठीक है। सारी टर्म्स हैं क्या, नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू 1 से कहानी स्टार्ट की गई है, 2n तक तो ठीक था कि भाई r इक्वल टू 2n तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन r इक्वल टू 2n प्लस 1 तो होगा नहीं, इसके बाद वाली टर्म 2n प्लस 1 तो नहीं रख सकते हो ना r की जगह पे, ठीक है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन r इक्वल टू 0 तो रख सकते थे, r इक्वल टू 0 रखने पे ये क्या बनाएगा 2nc0, और ये क्या बनाएगा, नहीं सॉरी r इक्वल टू 0 भी नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, आपके पास यही टर्म बची रह जाएगी, सो 2n into 4n minus 1 c2n ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 4n माइनस 1 c2n लिखें या फिर से वही ncn माइनस r वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2n माइनस 1, तो उसने उसी फॉर्म में दे रखा है, और 2n आपका फिर क्या है 18 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आप देखिए समेशन करना है 2r plus 3 upon r plus 1 ncr,
आर इक्वल टू जीरो से एन लिया, टू आर प्लस थ्री अपॉन आर प्लस वन, और इनटू आपने किया एनसीआर, ठीक है एनसीआर। तो सबसे पहली चीज आप यहां से थोड़ा सा इसको एनालाइज पहले कर लो, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं r प्लस वन से ऊपर डिवाइड करूं तो मुझे टू टाइम्स जाएगा और वन रिमाइंडर बचेगा, होगा कि नहीं होगा भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टू आर प्लस टू प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, जिसको वन आर प्लस वन को अगर स्प्लिट कर दिया मैंने दोनों साइड, तो टू आर प्लस टू अपॉन आर प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया, और प्लस वन अपॉन आर प्लस वन बचा रह गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इनटू आपको क्या करना है, एनसीआर करना है, आर इक्वल टू आपका जीरो से एन तक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा, टू बाहर समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन एनसीआर, ठीक है टू इंटू एनसीआर का समेशन कर दिया, प्लस समेशन ओवर आर इक्वल टू जीरो से एन एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, इसमें भी आपको पता है कि क्या करना होगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है और डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है ठीक है इतनी बात। तो यहां से कितना आ जाएगा, टू इंटू ये कितना हो जाएगा, एनसी जीरो से एनसी एन तक का सम टू एन, टू की पावर एन, ठीक है। और वहां पे आप देखिए एनसी आर और आर प्लस वन था, तो एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो अपॉन वाला एन प्लस वन बाहर निकल गया, समेशन ओवर बचा आर इक्वल टू जीरो से एन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। तो आप देखो आर इक्वल टू जीरो मतलब ये चीज वन से स्टार्ट हो रही है, मतलब एक टर्म मिसिंग है, उस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आपको समेशन लिखना होगा और फिर क्लब करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली चीज आगे का आप प्रोसीड कर लोगे, आगे तो कोई खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बाइनोमियल का पोर्शन तो मैंने यहाँ लिख ही डाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइड में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी आसान सा क्वेश्चन है, वो बार बार हमें एक ही प्रोसेस अप्लाई करना है, बस ध्यान रखना है कि क्या टर्म्स मिसिंग होंगी। आर इक्वल टू जीरो से एन, क्वेश्चन नंबर 19 में, माइनस वन की पावर आर एनसीआर, माइनस वन की पावर आर एनसीआर अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री, ओके। तो एनसीआर अपॉन आर प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन बाहर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। क्या हो गया ये, समेशन ओवर आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन की पावर आर एन सी आर अपॉन आर प्लस वन में से मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज करी, क्या बनेगा, वन अपॉन एन प्लस वन को बाहर कर देगा और बचेगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। नीचे अभी आर प्लस टू बचा हुआ है और ये आर प्लस थ्री एक है ही और एक्स्ट्रा, तो अब फिर से इन दोनों में वन का गैप है, फिर से हमने यही सेम प्रोसेस अप्लाई किया, तो इस बार एन प्लस वन के साथ साथ एन प्लस टू भी बाहर निकल जाएगा, है ना, समेशन ओवर आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन की पावर आर, ठीक है। क्या होगा इसमें, ऊपर तो लोअर सबस्क्रिप्ट अपर सबस्क्रिप्ट दोनों में एक एक जुड़ जाएगा, तो एन प्लस टू सी आर प्लस टू और नीचे क्या आ जाएगा, एन प्लस टू, ठीक है सॉरी एन प्लस टू सी आर प्लस टू, नीचे एन प्लस टू जो था वो यहां पे रख दिया और एक और आर प्लस थ्री था, इन दोनों में फिर से वन का गैप है, तो यह आपका बना लेंगे समेशन वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू, तो ठीक है। फिर आगे की टर्म आपके पास बन गई माइनस वन की पावर आर एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री अपॉन एन प्लस थ्री, आर इक्वल टू कहां से कहां तक, जीरो से लेके एन तक, तो एन प्लस थ्री फिर से बाहर, तो इफेक्टिवली आपके पास बचा हुआ है वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद की जो टर्म्स है वो देख लो, समेशन के अंदर माइनस वन की पावर आर एन प्लस थ्री सी आर प्लस, आर कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, आर जीरो से आपका एन तक जा रहा है, तो आप देखो टर्म क्या बनेगी, आपके पास वन अपॉन एन प्लस वन वन अपॉन एन प्लस टू और एन प्लस थ्री, ये सब तो फिक्स है ही। अब जो समेशन वाली टर्म अंदर लिखी हुई है उसको अगर मैं देखूं तो पहली टर्म क्या बन रही है, एन प्लस थ्री सी थ्री बन रही है ना, और वहां से लेकर के एन प्लस थ्री सी एन प्लस थ्री तक की टर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या टर्म्स नहीं, अगर सभी होते तो आंसर क्या हो जाता, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो जीरो आ जाता, लेकिन क्या टर्म्स नहीं है, तो आप देखो यहां पे r इक्वल टू माइनस वन के करेस्पॉन्डिंग टर्म बन सकती थी, वो नहीं है, तो माइनस वन की पावर माइनस वन एन प्लस थ्री सी टू नहीं है, और क्या नहीं है, r इक्वल टू माइनस टू के करेस्पॉन्डिंग बन सकता था, तो माइनस वन की पावर टू
एन प्लस थ्री सी वन नहीं है, और एक और टर्म माइनस वन की पावर थ्री एन प्लस मतलब माइनस थ्री सॉरी आर को माइनस टू रखा, फिर यहां पे माइनस वन, यहां पे आर को माइनस टू, यहां पे आर को माइनस थ्री रखा, तो एन प्लस थ्री सी जीरो ये वाली टर्म्स आपकी मिसिंग है। ठीक है, तो अब इनको क्लब कर लीजिए, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर लें वैसा मतलब इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए अभी फिलहाल। ठीक है, सिक्स एन सी वन माइनस इसको अगर मैं लिख लूं ऐसा अंडर रूट ओवर माइनस थ्री का स्क्वायर, इमेजिनरी पोर्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपन करेंगे ऐसे एक आध क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इलेवेंथ वाले लोग अभी के लिए स्किप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, अंडर रूट माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स एन सी थ्री, और यहां पे आपका आ जाएगा अंडर रूट माइनस थ्री का पावर फोर। ठीक है, सिक्स एन सी फाइव अंडर रूट माइनस थ्री की पावर सिक्स। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म है ना ये अंडर रूट माइनस थ्री वगैरह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, लेकिन ये रिपीटर वालों के लिए है स्पेसिफिकली, ये थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं इलेवेंथ के बच्चे। तो यहाँ पे आप देखो अंडर रूट माइनस थ्री आपका कॉमन अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, अंडर रूट माइनस थ्री आपका अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो आपके पास बचता क्या है, सिक्स एन सी वन अंडर रूट माइनस थ्री की पावर वन, ठीक है, प्लस सिक्स एन सी थ्री अंडर रूट माइनस थ्री की पावर थ्री प्लस सिक्स एन सी फाइव अंडर रूट माइनस थ्री की पावर में फाइव एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स। ठीक है, इनका सब निकालना है, तो अंडर रूट माइनस थ्री तो लिख लिया हमने क्या रूट थ्री आयोटा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं, तो सिक्स एन सी वन सिक्स एन सी थ्री सिक्स एन सी फाइव, तो आपके पास देखिए ये कैसे बन सकता है, आप देखो सारे ऑड ऑड वाले केवल रखे जा रहे हैं, तो ये कैसे बनता है आपका x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n के जब डिफरेंस लेते हैं तो क्या आता है, सारे ऑड वाले लोअर सबस्क्रिप्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आप लिख सकते हो इसको 1 प्लस अंडर रूट माइनस थ्री होल रेज टू पावर सिक्स। ठीक है, माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस थ्री होल रेज टू पावर सिक्स। ठीक है, लेकिन ये टू टाइम्स आ जाता है, सारे लोअर सब्सक्रिप्ट ऐसे टू टू के गैप पे वन थ्री फाइव वाले तो आते हैं, लेकिन कितना टू टाइम्स होके आते हैं ना, टू टाइम्स ऑफ दिस होल टर्म ऐसा आएगा ना ये, तो बाई टू भी लगाना पड़ेगा, तो बाई टू और लगा लो। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखोगे, वन प्लस रूट थ्री आयोटा रेज टू पावर सिक्स माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा रेज टू पावर सिक्स। ठीक है, और ये आपका हो गया रूट थ्री आयोटा बाई टू। खैर इसको तो आपने अलग ही रहने दिया, इसको केवल आप क्या करो डिमावेयर्स थ्योरम में पहले कन्वर्ट करो, और उस फॉर्म में, ठीक है, डिमावेयर्स थ्योरम के वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है सॉरी, डिमावेयर्स थ्योरम ही अप्लाई करना है। पहले आपने टू से डिवाइड कर लिया, ठीक है, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो अभी के लिए आप इसको यहीं पे स्किप कर सकते हैं, आगे आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका डिमावेयर्स थ्योरम पता है तो इसके आगे आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहा, तो यहाँ पे हमारा आज का असाइनमेंट्स का डिस्कशन एंड होता है, नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मिलते हैं, थैंक यू ऑल।